डूबते बोट के इस वीडियो ने हर किसी का दिल दहला दिया। कैसे समंदर की उफनती लहरों के बीच ये फंसी बोट डूबने को तैयार है। एक एक इंच नीचे पानी में समाती जा रही है, लेकिन इस बोट पर सवार 22 साल के इस नवयुवक ने जिंदगी कितनी जिंदा दिली होती है ये दिखा दिया। डूबती बोट पर सवार होकर भी उसका हौसला नहीं टूटा, चेहरे से मुस्कान नहीं भागी, जबकि उसे ये मालूम था कि समंदर उसे लहरों में ले जाएगा, ये पूरी बोट इन लहरों के बीच समा जाएगी। बाईस साल के इस नवयुवक का नाम सूरज चौहान था। चक्रवाती तूफान ताऊते के कारण 17 मई को समंदर में डूबे टग बोट वरप्रदा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम सूरज चौहान है। कैमरे में बनती वीडियो में वो किस तरह से मुस्कुरा रहा है, बाय बाय करता नजर आ रहा है। आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उसकी तलाश और पहचान के लिए सूरज के पिता संतलाल चौहान मुंबई से आए। बाद में डीएनए टेस्ट के लिए पिता के खून का नमूना लिया गया और पहचान की गई। जब से वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को देखकर लोग बार बार यही सोच रहे हैं कि जो लोग इस बोट पर सवार थे उनका क्या हुआ होगा, कैसे वो पानी में समा गए होंगे, वो पल कितना ज्यादा खौफनाक होगा। जैसे फिल्म टाइटेनिक में हमने उन दृश्यों को देखा था, कुछ ऐसा ही। लोग भाग रहे होंगे, कोई छलांग लगा रहा होगा, क्योंकि भारी लहरों के बीच बचने वाले बेहद ही किस्मत वाले रहे होंगे। लेकिन 22 साल के सूरज ने मुस्कुराते चेहरे के साथ जिंदगी को अलविदा कह दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए,